हमने ऑर्डर दे दिया, एक तो 40 वाला या तो पिंटा ले लो। वहाँ पे है ना मैन वर्सेस वाइल्ड 3 चल रहा है भाई साहब, वर्जन 2.0 वाइल्ड था गाइस ये। ये लेके आए थे मानो हे व्हाट्सअप दिस साइड कुणाल। और यार पहला पार्ट आपने देख लिया होगा आबू का, आबू रोड का फर्स्ट व्लॉग का फर्स्ट डे का। तो यार उस व्लॉग में मैंने कुछ छोड़ दिया था कि मेरा ट्राइपॉड टूट गया था, तो यार उसके मैं कुछ क्लिप्स नहीं ले पाया, तो क्लिप मैंने हाथों से ही लिए। तो यार आपको दिखाता हूँ फिर देखो, चलो फिर बताना यार आपको कैसा लगा। तो चलो उसकी जर्नी आगे करते हैं थोड़ी, जहाँ से मैंने एंड करी थी, चलो लेट्स गो। तो फाइनली गाइस हम लोग उस झरने से निकल गए जिस झरने का नाम एक मंदिर से फेमस है। तो चलो उस मंदिर में लेके चलता हूँ आपको फिर। तो गाइस यहाँ पे एक मंदिर है बहुत अच्छा, देख सकते हो आप, लोकेशन बहुत प्यारी है। सीधा जाना, राइट मुड़ जाना, फिर और आगे तक अंदर। बहुत प्यारा मंदिर है यार ये, और गाइस बहुत प्राचीन भी है। बोर्ड देख लो, आप लोग देख सकते हो ये मंदिर है, मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। बहुत पुराना मंदिर है गाइस ये, आओ इसके बारे में थोड़ा कुछ जानते हैं, ठीक है चलो। सबसे बड़ा ऋषिकेश ये है, उसके बाद में हरिद्वार वाला, यहाँ के प्रभु हरिद्वार गए, हरिद्वार से द्वारका। और कितने साल पुराना है? और कुछ पूछना महाराज, कितने साल पुराना मंदिर हो चुका है ये अभी तक? ये 8000 से भी ऊपर, 8000 से भी ऊपर हो चुका है। धन्यवाद महाराज, जय श्री राम। तो गाइज आप लोग देख सकते हो 8000 से भी ज़्यादा पुराना मंदिर है ये, आप लोग ज़रूर आना अगर आप लोगों का माउंट आबू आना का हो। सीरियसली यार बहुत अच्छा मंदिर है, और पंडित सिंह जी से भी मिलकर बहुत अच्छा लगा हमें। तो अब चलते हैं। तो फाइनली गाइस आज का खाना हम लोग यहाँ खाने वाले हैं। गला बिल्कुल बैठ चुका है यार, तो आज बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि आज का खाना बाहर खा रहे हैं। देख सकते हो आप लोग लोकेशन यार, बहुत प्यारी लोकेशन है। वहाँ से नहाने के बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत प्यारी लोकेशन है यार। अभी तो चाय बनवाई है, फिलहाल गला बैठा हुआ है। तो ठीक है, देखते हैं फिर खाने में क्या खाते हैं आज। चीज़ पनीर लेंगे, चीज़ पनीर के लिए, और ये जो 40 वाला पिंटे आता है ना, वो छोटा देसी वाला, उसके लिए ऑर्डर दे दिया, उसको भी हम यहाँ पे लेंगे, और फिर हम उसको खाके। ये सारा BTS में आएगा। गाइस हम आज का खाना यहाँ पे खा रहे हैं, और आज यहीं पे है हमारा, बहुत मज़ा आने वाला है यार। पिज्ज़ा है वैसे तो, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे हम, दिखाता हूँ आपको। तो फाइनली गाइस हम लोग इस जगह के बाद डायरेक्टली हमारे फ्लैट पे गए, क्योंकि यार बहुत ज़्यादा थकान हो गई थी यार हम सबको, और फिर वही सुबह उठ के हम लोग बढ़िया सी जगह पे गए। आप लोगों को दिखाता हूँ वो जगह, चलो फिर। फाइनली गाइस इस रोड पे हमारे साथ कुछ दुर्घटना घटी थी, उसको मैं आपको आगे बताऊंगा। तो गाइज इस टाइम लैप्स के बाद यार हम लोग पहुँचे बहुत ही बढ़िया जगह पे, तो आप लोगों को उस जगह के बारे में इंट्रोड्यूस कराता हूँ, चलो फिर। इंट्रोड्यूस कराने वाले हमारे पास एक ही जना था, तो सुनो उनको भी फिर। हर हर महादेव। तो हम आए हैं आज मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर, जो कि सिरोही में आबू रोड जिले में स्थित है। ये काफी पुराना मंदिर है, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं,
ये गौमुख है, यहाँ पर भी 12 महीने तक पानी आता है और इसी स्पीड से आता है, और ये पानी का कोई नहीं बता सकता कि ये आ किस जगह से रहा है। जैसे कि मैं आपको यहाँ की लोकेशन बता देता हूँ, ये पहाड़ों के बिल्कुल बीचों बीच बसा हुआ है, बहुत मान्यता है इस मंदिर पर। तो गाइज चलते हैं ऊपर और फिर देखते हैं और क्या है। गाइज यहाँ से भी आप देख सकते हैं, यहाँ से चढ़ने का है, सीढ़ियाँ दे रखी हैं, तो अब लोग हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो लेट्स गो, मे बी शायद मेरे हिसाब से आरती हो रही है अभी, आप लोग देख सकते हो। गाइज आरती हो रही है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, आप देख सकते हो। तो फाइनली गाइज हम लोग मंदिर जाके आ चुके हैं, आरती हो रही थी, आरती ले ली है। और सीरियसली यार माउंट आबू बहुत प्यारी जगह है, आप लोगों को दिखाता हूँ। झरना देखो यार बहुत प्यारा है। अरे ये आ कहाँ से रहा है ये अभी तक नहीं पता पानी। ये मंदिर है, ऊपर टंकी लग रही है, टंकी में से पानी आ रहा है। बोलना चाहोगे कुछ? हम बोलना चाहेंगे कि ये पानी कहाँ से आ रहा है, आप सोचो, क्योंकि अभी इस टाइम पे बरसात भी नहीं है, और मतलब और कुछ ऐसा भी नहीं कि मतलब ऊपर से पानी है, सर्दियों का मौसम है वैसे ही, तो मतलब ये पानी है यहाँ पे, मतलब कुछ ऐसा है जिससे ये पानी बह रहा है नीचे। और आप जैसे आराम से आ, आज हमारे साथ एक इंजरी है, बहुत बड़ा हादसा हुआ, तो उसके बारे में देखेंगे, तो उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, नहीं डालूंगा, नहीं मैं कहना चाहूंगा। बिल्कुल आप बोलिए। ये कहना चाहेंगे कि ऐसे लापरवाह इंसान के साथ कभी मत बैठना। और इन माशा को मतलब गाइज आप लोग देख सकते हो यार, बहुत ही प्यारा नजारा यार ये माउंट आबू। आना तो प्लीज यार यहाँ पे जरूर आना। तो गाइज ये था यहाँ का वाटरफॉल, आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि यार मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो चलो अब तो गाइज हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका है, तो थोड़ा रिक्स वाला काम है यार, तो हम निकल रहे हैं और आपको रात को मिलते हैं, क्योंकि रात को हम आबू के लिए निकल रहे हैं, तो आबू में मिलते हैं फिर। चलो गाइज बाय बोल दो, मिलते हैं आबू। चलो फिर आबू चलते हैं। तो आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं यहीं, तो अगला ब्लॉग आने वाला है बहुत जल्दी। डे टू का कंप्लीट हो चुका, मैंने अपलोड कर दिया, आप लोगों ने देख लिया। और गाइज इधर मेरे डे वन का ब्लॉग आ रहा होगा ऊपर, आप देख सकते हो इधर, तो उसको जाके ज़रूर देखें। और बहुत दो तीन पुराने ब्लॉग्स भी हैं, तो उसको भी आप जाके देख सकते हो, जो मेरा पहला ब्लॉग है। और यार थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस, और प्लीज़ यार चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और लाइक शेयर कमेंट सारे कर दो, सब कर दो, फैला दो यार भाई की वीडियो को, क्योंकि डे थ्री का ब्लॉग आने वाला है, जल्द आएगा यार। डे टू को मैं टाइम लगा उसके लिए, सॉरी। तो डे थ्री आने वाला है, कीप चिलिंग एंड कीप स्मेलिंग। थैंक्स भाई।